इंडियन आर्मी की जो भर्ती की प्रक्रिया है पिछले एक साल में उसमें काफी बदलाव आया है। पिछले साल अग्निपथ स्कीम के दौरान जो अग्निवीरों की भर्ती शुरू हुई है, 2022 से ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत की 2022 की जो हमारी भर्ती की पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो उम्मीदवार हैं, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको रेजिमेंटल सेंटर्स या ट्रेनिंग सेंटर्स भेजने का कार्य जारी है। जो पहले चरण की भेजने की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण में इनके डिस्पैच की प्रक्रिया भी जारी है। साल 2023 से ये जितनी भी भर्ती से रिलेटेड हमारी प्रक्रिया है उसमें काफी बदलाव लाया गया है। इसी से संबंधित आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको बुलाया गया है और मैं आपको इसके संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। मेरी आपसे गुजारिश है, जैसा कि कर्नल जो पीआरओ ने अभी आपको बताया है कि जो सवाल पूछने हैं उसी से संबंधित रहने चाहिए। जो भी सवाल होंगे उसके बाद मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इंडियन आर्मी की ये जो अगली भर्ती की पूरी प्रक्रिया है वो तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंडियन आर्मी के जो मेन साइट है www.joinindianarmy.nic.in है, उस पर जाके कोई भी उम्मीदवार अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया वैसी ही है जैसी पहली की जाती रही है। बदलाव सिर्फ ये आए हैं कि जो पहले हमारा डिजी लॉकर का सिस्टम था वो डिजी लॉकर का सिस्टम अब नहीं था, अभी ये डिजी लॉकर का सिस्टम ऐड हो गया है। उम्मीदवार को अपने डिजी लॉकर में अपना आधार कार्ड या फिर अपना 10th का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। उसके बिना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है। जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू गुजारा जाएगा। स्टेज वन में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली की कार्रवाई वैसी ही होगी जैसे पहले की जाती रही है। और स्टेज थ्री में यानी तीसरे चरण में उनको मेडिकल के थ्रू गुजारा जाएगा। जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट होगी वो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो रिक्रूटमेंट रैली के दौरान होगी उसी के बेसिस पे की जाएगी। मौजूदा रजिस्ट्रेशन जारी हो चुका है। 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का समय दिया गया है उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के लिए। 17 अप्रैल से हमारा ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आधार कार्ड या 10th सर्टिफिकेट के बेसिस पे होगी। हमारे ऑटोमेशन के अंतर्गत हमने डिजी लॉकर को अपने ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के साथ जोड़ दिया गया है। कैंडिडेट अपने डिजी लॉकर में एक बार अपना आधार कार्ड और अपना 10th का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर देता है, उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया में बढ़ सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी जो प्रक्रिया होगी उसमें ₹250 का पेमेंट है। पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए टोटल कॉस्ट ₹500 का है, बट उम्मीदवारों को रियायत देने के लिए ₹250 यानी कि 50% कॉस्ट जो कि इंडियन आर्मी बेयर कर रही है, बाकी का 250 यानी कि 50% कॉस्ट उम्मीदवार पेमेंट करेगा। इनकेस अगर पेमेंट के साथ कोई भी बैंक चार्जेस अगर अवेलेबल हैं या एप्लीकेबल हैं तो वो उम्मीदवार को ही पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट की प्रक्रिया किसी भी तरीके के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मार्फत से की जा सकती है, जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के दौरान। उम्मीदवारों को ये सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के पहले वो आप इंश्योर कर लें कि आपका कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए उपयुक्त है और आपने अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस पे ओपन करवा रखा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी ऐसी आ रही है जिसमें उन्होंने पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है और उनका पेमेंट भी हो गया लेकिन फिर भी उनका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उनकी रजिस्ट्रेशन पूरी नहीं हो पा रही है। बाद में हमने जब उसको छानबीन करी तो हमें ये पता चला कि उनके कार्ड्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ओपन नहीं थे। हाउ टू अप्लाई का एक डिजिटल लिंक हमारे इंडियन आर्मी वेबसाइट पे और यूट्यूब पे भी डाला गया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताई गई कि एक कैंडिडेट किस तरीके से पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठा जाएगा।
ऑनलाइन एग्जामिनेशन 176 सेंटर्स में पैन इंडिया एक साथ कंडक्ट करवाया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि 17 अप्रैल के बाद से एग्जामिनेशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एग्जामिनेशन डेट से 10 से 14 दिनों के पहले कैंडिडेट को जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर ही उसका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, जिसकी जानकारी उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू उसको जानकारी दी जाएगी एक एसएमएस के द्वारा। उसके बाद वो अपना एडमिट कार्ड जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। एडमिट कार्ड के ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर और समय की पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे जम्मू संभाग के अंदर 2 एग्जामिनेशन सेंटर अभी नियुक्त किए गए हैं जो 176 एग्जामिनेशन सेंटर का हिस्सा है। एक एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू में है और दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर सांबा में है। इसके बारे में और कार्रवाई जारी है। अगर एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाए जाते हैं या फिर कोई नए एग्जामिनेशन सेंटर खोले जाते हैं तो इसकी जानकारी कैंडिडेट को दिए गए जो तरीके मैंने बताए हैं उसके द्वारा उनको इत्तला दे दी जाएगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन की प्रक्रिया वैसी ही रहेगी, पहले फिजिकल मोड में एग्जामिनेशन होता था, अब कंप्यूटर मोड में एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। सभी सही जवाबों के मार्क्स दिए जाएंगे और गलत जवाबों के 25% मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सेलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको रिक्रूटमेंट रैली के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसकी जानकारी भी उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा उनको बताया जाएगा। जो रिक्रूटमेंट रैली की प्रक्रिया होने वाली है वो प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे पहले हुआ करती थी। रैली के दौरान फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और मेडिकल की कार्रवाई की जाएगी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में रन, डिच, बैलेंस, बीम इत्यादि की कार्रवाई होगी और मेजरमेंट टेस्ट में हाइट, वेट, चेस्ट की कार्रवाई होगी। इनके मेजरमेंट की कार्रवाई होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद मेडिकल की कार्रवाई कराएंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स फाइनल होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो उनका स्टैंडर्ड होगा उसके बेसिस पे बनाई जाएगी। जो हमारा नया प्रोसीजर है इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इस नए प्रोसीजर के द्वारा हम कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा रीच हासिल कर सकेंगे। दूर दराज के इलाके में कैंडिडेट जो आगे आकर के अपना समय नहीं दे पाते हैं वहां तक हमारी पहुंच हो सकेगी। हर कैंडिडेट को इसकी जानकारी मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर मीडिया के थ्रू जानकारी दी जा रही है। नया प्रोसीजर जो कि है ज्ञान संबंधित है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। इससे पूरे देश में हमारी कैंडिडेट्स तक पहुंच और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो पहले वाली प्रोसीजर थी उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान जो पहले एक परेशानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मिलिट्री अथॉरिटी को जो मिलती थी, जिसमें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी परेशानियां होती थी वो भी काफ़ी कम हो जाएंगी और पूरी व्यवस्था जो की है, पूरी प्रोसीजर जो की है, ज़्यादा सुव्यवस्थित और सुसंगठित हो जाएगी। कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक हिदायतें हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आपके लिए एक इंडियन आर्मी की वेबसाइट के मार्फत के थ्रू एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जिसका नंबर इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर भी अवेलेबल है। जो नंबर है वो 7996157222 है, जिसका इस्तेमाल करते हुए कैंडिडेट्स अपने किसी भी समस्या का निस्तारण कर सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं, ताकि उनको रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वह रजिस्टर नहीं कर पाते हैं और किसी न किसी समस्या की वजह से शामिल नहीं हो पाते हैं रिक्रूटमेंट रैली के दौरान। उसके लिए ये हेल्प डेस्क गठित की गई है। पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ही कम है। कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से एक हिदायत है कि कृपया करके दलालों से दूर रहें। किसी भी दलाल का या किसी भी बिचौलिए का पूरे प्रक्रिया से किसी भी तरीके का उसका कोई सेंध नहीं हो सकती है। अगर वो चाहें कि किसी के थ्रू वो अपना
सिलेक्शन करवा लें तो वो पॉसिबल नहीं है। खुद के ऊपर विश्वास रखें, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर विश्वास रखें। इंडियन आर्मी की जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो निष्पक्ष है और मेरिट के बेस पे आधारित है। भारतीय आर्मी कैंडिडेट्स के सफल भविष्य की शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।